अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अदील फैयाजी। आज की इस वीडियो को बहुत तवज्जो के साथ, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, देखिएगा। और इस वीडियो को जब आप पूरा देख लें तो जो नीचे शेयर का बटन आता है ना, इस तरह का, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपने भाइयों में शेयर करना बिल्कुल इससे मत भूलिएगा। दोस्तों, खबर है रजा अकेडमी मुंबई की तरफ से और बहुत बड़ी खबर है। वो खबर मैं आपके सामने रखूं, उससे पहले मैं आपको कुरान अजीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 219 पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अजीम के अंदर सूरह बकरा में आयत नंबर 219 में इरशाद फरमाता है, यस अलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। अल्लाह फरमाता है कि वो तुमसे शराब और जुए का हुक्म पूछते हैं, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, तो ऐ महबूब आप फरमा दो कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है। यानी अल्लाह फरमा रहा है अपने महबूब से कि ऐ महबूब, लोग आपसे शराब का और जुए का हुक्म पूछते हैं, आप ये फरमा दो कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है, शराब पीने में और जुआ खेलने में। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी कुएं के अंदर शराब का एक कतरा गिर जाए और उस जगह पर अगर मीनार बनाया जाए तो मैं उस मीनार पर अजान देना भी मुनासिब ना समझूं। कितनी नफरत है शराब से। आगे हजरत अली फरमाते हैं कि अगर किसी जगह, मतलब समंदर के अंदर, अगर किसी दरिया में शराब का एक कतरा डाल दिया जाए और वो दरिया खुश्क हो जाए, उसके बाद वहां पर घास पैदा हो, तो उस जगह पर मैं अपने जानवरों को चराना भी पसंद ना करूं। अल्लाह अकबर, कितनी नफरत है शराब से। अब आइए चलते हैं खबर की तरफ। खबर यह है कि रजा अकेडमी के बानी अलहाज सईद नूरी साहिब क़िबला, माशाल्लाह इन्हें आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, असीर मुफ्ती आज़म हिंद माशाल्लाह, इन्होंने और सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदर मोइनुल मशाइख हजरत अल्लामा सैयद मोइनुद्दीन अशरफ साहिब क़िबला, उन्होंने मुंबई के अंदर 11 दिसंबर को एक मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर शहजादे आला हजरत हजरत अल्लामा मन्नान रजा खां मन्नानी मियाँ हुजूर और भी दीगर उलमाए किराम बरेली शरीफ से और वहाँ के मकामी उलमा, उन्होंने शिरकत की उस मीटिंग के अंदर। दोस्तों, उस मीटिंग के अंदर ये तय पाया गया कि आज हमारे मुआशरे के अंदर जो खराबियाँ पाई जाती हैं, आज हमारे मुआशरे के अंदर जिस तरह से शराब नोशी की जा रही है, जुआ खेला जा रहा है, तो इन तमाम चीज़ों पर मिलकर एक रोक लगानी चाहिए, एक रोक लगानी चाहिए ताकि हमारे मुआशरे से इस चीज़ का खात्मा हो। आज हमारा नौजवान जो है शराब की तरफ माइल है, जुए की तरफ माइल है, बदकारियों की तरफ माइल है। तो ये पहल की गई है रजा अकेडमी के बानी अलहाज सईद नूरी साहिब क़िबला की तरफ से और आल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदर हजरत अल्लामा सैयद मोइनुद्दीन अशरफ साहिब क़िबला की तरफ से। दोस्तों, आपने देखा होगा कि रजा अकेडमी के बानी अलहाज सईद नूरी साहिब क़िबला और मोइनुल मशाइख मदसल्लाहु अलैह जिस तरीके से आज दीन मतीन की खिदमतें अंजाम दे रहे हैं, जिस तरीके से दीन मतीन की खिदमतें कर रहे हैं, माशाल्लाह इनकी खिदमतें काबिले दीद हैं और लायक मुबारकबाद हैं ये लोग कि इन्होंने दीन का इतना बड़ा बेड़ा उठाया हुआ है माशाल्लाह। तो आज ज़रूरत है इस बात की कि देखिए, ये सिर्फ मीटिंग हुई है मुंबई के अंदर, लेकिन ये पैगाम जाना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर, हर मुसलमान के बच्चे बच्चे को इसकी खबर होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि मुसलमान ही क्यों, बल्कि हमारे गैर मुस्लिम भाई जो हैं उन तक भी ये पैगाम ज़रूर पहुँचे। और अगर गैर मुस्लिम भाई भी मुझे देख रहे हैं तो मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि अगर आप लोग भी जुए के आती हैं, शराब के आती हैं, तो ये इतने बुरे काम हैं कि लोगों के घर वीरान हो गए, लोगों के घर उजड़ गए इन तमाम चीज़ों को लेकर। तो मैं गुजारिश करूंगा हिंदुस्तान भर के तमाम उलमा से, तमाम अइम्मा से, कि वो भी अपने अपने शहरों में, अपने अपने गांवों में, अपने देहातों में, अपने कस्बों में, अपने करियों में इस तरह की मीटिंग कायम करें और एक मुहिम चलाएं जिससे कि हमारा नौजवान तबका जिस तरीके से आज शराब और जुए की तरफ माइल है, वो लोग इन चीज़ों से दूर रहें, वो लोग इन तमाम गुनाहों से बचें। तो मैं समझता हूँ कि ये रजा अकेडमी का पैगाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाएगा और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों में शेयर करेंगे। मेरे भाई, आप हर तरह की वीडियो को शेयर करते हैं, खुदा रहा इन वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। इस तरह की वीडियो जब शेयर होती हैं, लोगों तक पहुंचती है, एक अच्छा पैगाम पहुंचता है।
और हमारा मकसद ही ये है कि मुआशरे से, अपने समाज से तमाम बुराइयों को ख़त्म करना। हमारा मकसद सिर्फ ये है, और हम जो यहाँ यूट्यूब चैनल पर बैठे हुए हैं, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हमारे मुआशरे से में, हमारे समाज में जो बुराइयाँ हैं उनका जड़ से खात्मा कर दिया जाए, ताकि हमारा नौजवान बुराइयों की तरफ मायल ना हो। तो दोस्तों, ये खबर आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा किसी अच्छी वीडियो के साथ। और आखिर में आपसे इतना मैं ज़रूर करूंगा कि अलहाज सईद नूरी साहब कबला के लिए और मोइनुल मशाइख के लिए और दीगर जो उलमा जिन्होंने इस मीटिंग के अंदर शिरकत की, जैसा कि हुजूर मन्नानी मियां मतज़िल्ला उलाली बरेली शरीफ से जो शहजादा आला हजरत हैं, इन तमाम बुजुर्गान दीन के लिए आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और इनको दारान की सादतों से मालामाल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे किसी बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।